फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। फ्रेंड्स, जो वीडियो है आज का, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि मैं आज एक घड़े को डेकोरेट करने वाली हूं, एज ए टेबल बनाने वाली हूं उसको। सो गाइस, यहां पर ये मटका है मेरा पुराना जिसको यूज़ नहीं करती हूं, तो मैं इसको पहले वेस्ट कोट कर लेती हूं। तो यहां पर इसको गाइस मैंने वेस्ट कोट करने के लिए मैंने यहां पर लिया है ऑयल पेंट, और ये बहुत अच्छा रहता है। आप वुड पे भी कर सकते हो इसको, और कोई मेटल का अगर कुछ है तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, एंड का लुक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और आइए इसको डिफरेंट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पहले एक कोट कर दिया है, और इसके बाद में गाइस अगर मुझे लगेगा कि ये मतलब अच्छे से इसमें मतलब क्लियरिटी नहीं आई है, तो फिर मैं इसको डबल कर दूंगी। तो मुझे लग रहा थोड़ा सा रफ है, तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का अब यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, एक्रेलिक कलर के बारे में मैं कई बार मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, इसको आप कहीं मीन्स आप वुड पर भी कर सकते हो, इसको मेटल पर भी कर सकते हो, प्लास्टिक पर भी कर सकते हो। अगर हम इसको बेस कोट को मतलब ऑयल में अगर हम यूज़ कर लें, तो प्लांटर्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये एक्रेलिक कलर। तो गाइस, थोड़ी सी मार्किंग दी है मैंने सेम डिस्टेंस लेके, 4-5 इंच का डिस्टेंस लिया है, और फिर मैं यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। और मास्किंग टेप गाइस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इजिली, और हो सकता है आपको। सो फ्रेंड्स, मास्किंग टेप का क्या काम होता है कि हम इसको कहीं पर पेस्ट करके ईजिली निकाल सकते हैं, और इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको लगा के मैं यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, और बाद में जो नीचे की जो फिनिशिंग है वो इस जो हमने लगाया है टेप, उसकी हेल्प से मतलब उसकी वजह से अच्छी आएगी। तो गाइस, ये ब्राउन कलर यहाँ पर लिया है, और कुछ मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश ये कलर कम पसंद आ रहा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा रेडिश कलर भी मतलब रेडिश टच दूंगी इसमें, तो रेड कलर का भी यूज़ करूंगी इसके ऊपर से। और अगर आप चाहें तो दोनों कलर को पहले मिक्स कर लीजिए अच्छे से, देन आप यूज़ करिए। बट मैं मुझे थोड़ा सा मतलब इस तरह से मैं करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि आराम से ईजिली हो जाता है मुझसे। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं ये काम, तो आप पहले अच्छे से मिक्स कर लें कलर, फिर करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये मैंने अच्छे से इस पर पेंटिंग कर दी है। और गाइस, सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने ये एक क्लिप जो थी वो मेरे से डिलीट हो गई है, पेंटिंग करते हुए पूरी मैंने क्लिप मतलब पूरा ही शूट किया था। और बट कोई बात नहीं है कि अब मैं आपको यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ईयरबड्स की हेल्प से मैंने इस तरह से एक्रेलिक कलर को लेके मतलब पूरा सा पेंट किया हुआ था। और जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये मैंने 000 का ब्रश लिया है और उससे मैंने की हुई है। तो गाइस, वैसे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और डिज़ाइन की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। सिंपल से राउंड राउंड भी आप बना सकते हो, सर्कल से बना सकते हो पूरे में। और जो नीचे वाली डिज़ाइन है बहुत सिंपल सा है, एकदम जो मधुबनी पेंटिंग होती है ना, उस स्टाइल में मैंने बनाया हुआ है। और जो मटके वगैरह होते हैं गाइस, उसमें इस टाइप की पेंटिंग्स अगर हम बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन इस टाइप का बनाते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। जो ब्लेस वाला लुक होता है वो मतलब उभर के आता है। और वाइट एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है मैंने, बॉटल वाले यूज़ किए हैं, मतलब ट्यूब वाले नहीं किए हैं। और बॉटल वाले कलर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है हमको 20 ml 20 rupees में। तो गाइस, आई थिंक 15-20 ml आता है इसमें, और अच्छा कलर बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किए हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर रेड और ब्राउन को मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा सा जो डिज़ाइन नीचे है वो बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाई हुई है। और वैसे भी गाइस, बहुत लंबा वीडियो हो जाता तो आप पूरा डिटेल में, वैसे मैंने कुछ कुछ मतलब शूट किया हुआ था। तो गाइस, चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपलोड करती हूँ तो डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ गाइस, यहाँ पर मेहंदी पेंटिंग के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, होम डेकोरेशन के वीडियोस और दिवाली के और डेकोरेशन के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा एक बार चैनल पे जाके। और कुछ वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे आपको एंड स्क्रीन में, कुछ वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए आप लोग। और कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं कि काफ़ी पहले के बनाए हुए होते हैं, तो उनके कुछ वीडियोज़ के लिंक्स मतलब मिल जाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये मेरा लगभग रेडी हो गया है। आप और इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितना भी पेंटिंग करना चाहें इस पर कर सकते हो, और काफ़ी प्यारा सा लुक आता है, और ये बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है गाइस। कोई भी पुरानी चीज़ें हैं हमारी, तो पेंटिंग के थ्रू हम उनको कितना अच्छे से मतलब क्रिएशन करके उनको बहुत अच्छे से लुक दे सकते हैं। और गाइस, ये आप देख रहे हो, ये केक जो हम मतलब बेकरी से लाते हैं उसका ये बेस है, इस पे रख के जो आता है, ये भी एक मोटा वाला कार्डबोर्ड रहता है, तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं पहले ऑयल पेंट कर देती हूँ, और उसके ऊपर से फिर मैं एक्रेलिक कलर करूँगी जैसे कि मैंने घड़े पे किया था।
और फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ डिजाइन इसमें भी बना देती हूँ मैं, तो वही मेरी मेहंदी वाली स्टाइल मतलब डिजाइन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। और आपको अगर जैसे भी सिंपल हो तो आप सिंपल डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो, और ये भी बहुत इजी है। अगर आप मेहंदी वगैरह लगाते होगे तो आपको बहुत इजी रहेगा ये डिज़ाइन, कोई टफ नहीं है, तो आप ये डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। और सिंपल एक ही कलर, मतलब मैंने कलर कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया है, वाइट और ये रेडिश कलर ही रखा है। और गाइस देखिए, ये कलर है जो मैंने न्यू परचेज किया है, और बिल्कुल इसमें ब्राउन और रेड मतलब जो हम मिला के बनाते हैं सेम वही कलर है, डार्क आप बादामी कह लीजिए या फिर डार्क ब्राउन रेडिश कह लीजिए इसको। वैसे इस पे जो लिखा हुआ है इंडियन रेड कलर लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा कलर है। तो इसको आप जो हम मतलब डिज़ाइन घड़े वगैरह पे मतलब पेंट करते हैं तो एकदम वुडन टाइप का मतलब टच मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये कलर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये जो वीडियो है इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। गाइस आपके एक लाइक से हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, और काफ़ी सारी मेहनत भी हो गई मेरी इस वीडियो पे, और बट जो आइटम बन के रेडी हुआ गाइस बिलीव मी बहुत प्यारा है, और बहुत ही मतलब प्यारा लुक आया है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे कॉर्नर टेबल में यूज़ करेंगे, और एक बहुत ही प्यारी सी कॉर्नर टेबल बनके रेडी हो गई हमारी, और काफ़ी प्यारा सा लुक है गाइस। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास छोटा मटका है तो आप उसको भी यूज़ करके बना सकते हो, या फिर आप इस तरह की डिज़ाइंस प्लांटर मतलब बना के प्लांटर में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आगे भी कुछ इस तरह के वीडियोज़ पॉट डेकोरेशन वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़। और फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी लवर हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो सारे वीडियोस। और करवा चौथ के लिए अब मैं काफ़ी पहले पहले से मतलब मेहंदी के डिज़ाइंस अपलोड कर रही हूँ, और इजी इजी डिज़ाइंस हैं, आप देखिएगा एक बार। और अगर आप फैब्रिक पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिएगा, फैब्रिक पेंटिंग की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और अगर फैब्रिक पेंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी और बेसिक पेंटिंग होती है, आपको अगर नहीं आती तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, फैब्रिक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई पेंटिंग नहीं आती है आपको तो आप फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट कीजिए, बहुत ईजी रहता है सीखने में। तो गाइस बहुत सारे वीडियोस सिंपल सिंपल डिज़ाइंस के पैटर्न्स के आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार देखिएगा। और ये लगभग मेरा कंप्लीट होने ही वाला है, एंड का लुक आपको अभी दिखाने वाली हूँ मैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम अपनी मेहंदी में जो डिज़ाइंस बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, बस वही मतलब तरीका मैंने यहाँ पर यूज़ किया, वही डिज़ाइंस यूज़ किया आप कह सकते हो। और जो मतलब कि जो कोन से हम बनाते हैं उसका थोड़ा टफ रहता है, और ब्रश की हेल्प से थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा सा लुक आया। और गाइस मैंने बीच में कोई डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये हम एज ए टेबल यूज़ करने वाले हैं इसको, तो बीच में टेबल पे कुछ ना कुछ तो हम रखेंगे, कोई डेकोर पीस या कुछ भी रखेंगे, तो वो मैंने इसलिए बीच का जो स्पेस है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और अब मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से उसको चिपका देती हूँ अच्छे से, और ये बिल्कुल मतलब निकलने वाला नहीं है, अच्छे से देखिए सेट हो गया है। और आई होप गाइस ये काफ़ी अच्छा लुक आया है इसका, आपको पसंद आया होगा। और इस पर थोड़ा सा कुछ भी डेकोरेटिव पीस आप रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ऐसे कॉर्नर पे बहुत ही प्यारा सा लुक आया है फ्रेंड्स, और एक बार इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, और जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएशन के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।